सर्टिफिकेशन कोर्सेज इन लॉ। सो गाइस फाइनली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो आ गई है, ये जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी कि मैंने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट यानी कि ILI जो कि सुप्रीम कोर्ट के जस्ट अपोजिट यानी कि सामने है, वहां से अपना एक सर्टिफिकेशन जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जो है वो कंप्लीट किया था। तो वो मैंने रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, काफी सारे लोगों ने बोला था सर ये कब स्टार्ट होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी फीस कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारे मेरे पे क्वेश्चंस आए थे। 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो अब फाइनली आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले सॉरी कि मैं थोड़ा लेट हो गया डिटेल वीडियो बनाने में। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट यानी कि ILI शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो ये एक यूनिवर्सिटी है जो कि न्यू दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट के जस्ट अपोजिट में। तो ये हर साल 2 बार सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाती है। किस किस चीज में? अलग अलग यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये लोग करवाते हैं, और ये लोग करवाते हैं साइबर लॉ में, ADR में, क्रिमिनल में। लेकिन यहाँ इस बार एक थोड़ा सा छोटा सा ट्विस्ट है, लास्ट के कुछ 1-2 सालों में ये देखने को मिल रहा है कि इन्होंने जो 4-5 सब्जेक्ट थे वो रिड्यूस करके 2 कर दिए हैं, जैसे IPR और साइबर लॉ। इन 2 चीजों में ये लोग ये जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं ये करवाते हैं। सेकंड, ये कोर्सेज कब कब ओपन होते हैं गाइस? यहां भी एक ट्विस्ट है। मैंने जो लास्ट ईयर किया था दिसंबर में मैंने एनरोल किया, सॉरी नवंबर के लास्ट में एनरोल किया था, मेरा दिसंबर में कोर्स स्टार्ट हुआ था लाइक 3 महीने का, Jan to March। लेकिन इस बार इन्होंने अगस्त में ही लास्ट डेडलाइन यानी कि 28 अगस्त से ही स्टार्ट कर दिया। 27 अगस्त लास्ट डेट थी उसकी, जो कि मैंने यहाँ रील पे भी डाली थी, काफी सारे लोगों को बताया भी था, आप सब लोगों को मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी। तो ये सारी चीजें हुई थी, तो इस बार इन्होंने अगस्त में कर दिया है। लेकिन ये साल में 2 बार करते हैं, एक तो करते हैं समर वैकेशन के टाइम पे यानी कि अप्रैल में जून जुलाई इस टाइम पे, और एक करते हैं ठंड में। लेकिन इस बार थोड़ा पहले हो गया इन्होंने, जैसे कि अभी अगस्त में हो गया, क्या पता ये लोग अब दोबारा लाइक जैन में कर रहे हैं, मार्च में दोबारा से कर दे। जैसे भी अपडेट होती है मैं आप लोगों को तुरंत बताऊंगा। तीसरा और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस होती है भाई 10,000 रुपीज। इन दोनों सर्टिफिकेशन की 10,000 रुपीज जो कि आपको ऑनलाइन देनी होती है। आपको सारी ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे सारी डिटेल मिल जाएंगी पेमेंट से रिलेटेड, बाकी सारी चीजों से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन, एक क्या 2-3 क्वेश्चन थे जो सबने मेरे से पूछे थे कि सर क्या हमें ये करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, आंसर इज यस, बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा कोर्स है, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, आपके रेजुमे भी में भी एक इम्प्रूवमेंट लाता है, और अगर आप अच्छे से इसके असाइनमेंट करते हो तो आपको एक इम्प्रूवमेंट मिलती है, एक अच्छी चीज मिलती है। कहीं भी आप अगर इंटर्नशिप के लिए या जॉब वगैरह के लिए जाओगे तो आपको फायदा होता है। सेकेंड क्वेश्चन कि सर क्या ये ऑफलाइन होता है? नहीं, ये प्योरली ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अपने कन्वीनियंट टाइम पे आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं, और जैसे भी आप लोगों को सूट करे लाइक विद इन टाइम पीरियड आप लोग असाइनमेंट दे के लास्ट का टेस्ट दे के आप लोग इसको दे सकते हैं। थर्ड, काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर क्या सर्टिफिकेशन के लिए पैसे अलग से देने पड़ते हैं जो सर्टिफिकेट लास्ट में आएगा? नहीं, आपने जो स्टार्टिंग में फीस दी 10,000 वो ही आपकी फीस रहेगी, और कोई वो नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये 3 जो क्वेश्चंस थे, काफी लोगों ने घुमा फिरा के यही 3 क्वेश्चंस पूछे थे, और बाकी भी क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने सबके आंसर इंस्टाग्राम पे कर दिए थे। आप में से जो भी लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्टेड नहीं है, ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है, जाइए गेट कनेक्टेड विद मी, मैं वहाँ सबके ईच एंड एवरी क्वेश्चन के आंसर देता हूँ। और ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी नहीं लगी, बिल्कुल कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।